Solito. Thermometer. कितने का चल रहा है? 463 में एग्जाम गया आदमी का. आठ सौ तक. ये जो इसका फ्लेम का इंजन कौन है यहाँ का, मैं नहीं बता रहा है क्या अभी. तो पॉइंट पे नहीं बता रहा था, हमको 2 इंच चाहिए. नहीं बता रहा है ऋषि, थोड़ा उसको थोड़ा सा उधर करो अभी यहाँ. हाँ बस बस, फिर फ्लेम का नहीं बताता. 900 गया था, 900 तक मैक्सिमम. 900 का तो जैसे जॉब का बता रहा है, लेकिन इंजन कौन पे आ जाए तो. सब पॉइंट पे नहीं दिखा रहा ना, मिनिमम इसको 2 इंच नहीं दिखाता क्या? 2 इंच तो सर मैक्सिमम चाहिए उसको. करवा दो मेल्ट, करवा दो. अभी एक तरीके से लास्ट टेस्ट ही है इसका. मेल्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है? मेल्ट होना कम से कम 1000-1500 में. हाँ 1500 से 1000-1200 के ऊपर चाहिए. इतना आपको कुछ मिलता होगा? हाँ ये 1000-1200 से ऊपर चाहिए. देखो क्या लेना ये. हाँ मेल्ट हो गया. कितना कितना हो गया? मेरा 900 तो गया मैक्सिमम. कम दिखा रहा है एक्चुअली से, अभी जो लाल गरम देख रहे हैं 1200 के ऊपर की चीज़ें सारे, और ये देखो ये 1500 हो जाएगा. ये गिर रहा देख रहे हैं ये मंदिर. तो वो एग्जैक्ट मतलब मैं बता रहा हूँ, 2 इंच का चाहिए वो होता है एक. हाँ देख रहा है ये लिक्विड दिख रहा है ना सर. हाँ दिख रहा है. बह गया इधर, बह गया यार, पूरा ही बह गया. 900 तक आया, 900 तक मेरा 1000 के ऊपर तो जाए. मेरा मैक्सिमम 900 पर आया अभी. 10 तक 10 डिग्री 5 10 डिग्री बेंड होके गिर रहा हूँ. मुझे लग रहा है कि इसको ऐसा तो नहीं कि साउंड क्रिएट कर रहा, उसके वजह से मैं स्टोर कर लिया हूँ बाद में निकाल रहा हूँ. पता नहीं है बाबा, सेव तो कर रहा है ना. नहीं सर मेरा मैक्सिमम 900 तक गया है, मेरा सर मैक्सिमम डाला था 900 तक मेरा मैक्सिमम गया हुआ है. मैक्सिमम का प्रॉब्लम नहीं है, एक्यूरेसी दिखाना चाहिए ना. मैक्सिमम जितना भी कांस्टेंट हो यहां पे लगा ना सर, वो कांस्टेंट रहना पड़ेगा. कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों ही. अभी तो जॉब तो कांस्टेंट ही है, देखिए मेरा हाथ सर कांस्टेंट होना चाहिए. या इसको भी हम स्टेबल कर लेते हैं, इसको भी हम होल्ड कर लेते हैं भाई. नहीं जो ऑप्टिमम जो मिनिमम एरिया है ना 2x2 का होना चाहिए. मतलब 2x2 तो होगा ना, वो कितना 50 ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 1 इंच ही होगा ना. ये इतना ही गर्म होना, ये अपना इतना ही गर्म होना यहाँ तक. नहीं 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 ये तो फिर वेल्डिंग वाले एरिया का कितना होगा, वेल्डिंग जोन वो तो जरा सा ही होगा. तो उसका थोड़ा पॉइंट है, इसमें स्पॉटेड पॉइंट जो है ना मिनिमम स्पॉटेड पॉइंट होता है, मैंने आपको बताया उतना चाहिए. पैरामीटर है ना, तो उस पॉइंट का ही बताएगा ना. हाँ.